दादा विराजमान है। उधर देखते हैं तो तोगड़ा में स्वामी जी बैठे हैं, भैरव जी बैठे हैं, डाबड़ी में लाल जी महाराज बैठे हैं। तो एक बार जोरदार हम श्याम बाबा का जयकारा लगाएंगे, बोलो श्याम बाबा की। हाँ तो मंदिर तक ही बन गई, कम से कम डोमरा कुमास जेजूसर तोगड़ा तक तो सिंचाई ही, और निराणा सर तक तो कम से कम आके और भी भेजो। बोलो श्याम बाबा की, ने दादा की, ने दादा की। आज यहाँ पधारे सभी, चाहे हमारे साथी जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, सरपंच गण हैं, अन्य जनप्रतिनिधि गण हैं, प्रशासनिक हमारे अधिकारी और यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों और युवा साथियों, ये है कि सोच के साथ देखो, सदियों से आज मेले तीज त्योहार भरते रहे हैं और हमारी संस्कृति रही है, और एक दूसरे को जोड़ने के लिए मेलों की और तीज त्योहार की अपनी आवश्यकता है। आज आप देख रहे हो कि पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई, भाई से भाई नहीं मिलना चाह रहा था, पति पत्नी आपस में नहीं मिलना चाह रहे थे, परिवार के लोग छोटी सी छींक आते हैं पार हो रहा। हालांकि उस दौर में भी हम सौभाग्यशाली हैं और हमारे ऊपर इन्हीं देवताओं का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से पूरी टीम माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में हमारे सभी साथी सरपंचगण और हमारे सदस्यगण, हम लोग कोरोना के वार्डों में भी जाके आते थे, मिलके आते थे। लेकिन क्योंकि सच्चे दिल से अगर कोई सेवा भाव रखता है तो उसकी ईश्वर भी सुनता है। ये बैठे चारों तरफ अपने जो लोक देवता है ये हमारी सुनते हैं, और उसी का नतीजा है कि जिस तरीके की ये महामारी फैली, एक बार लगा कि सृष्टि खत्म होने जा रही है, हो सकता है एक दूसरे से हम मिल पाए या नहीं मिल पाए, वापस वो दौर लौटा और जितना चारों तरफ देश विदेश में नुकसान हुआ उसका नगण्य न के बराबर हमारे क्षेत्र में नुकसान हुआ। और लंबी जैसी महामारी आई जिसमें बाहर के क्षेत्रों में इतना नुकसान हुआ, लेकिन इन देवताओं के आशीर्वाद की वजह से हमारा नुकसान कम हुआ। यहां तक कि आप देखिए पिछले 3-4 दिन से कितनी गर्मी थी, लेकिन श्याम बाबा के आशीर्वाद से आज पूरे दिन बादल हो रहे हैं। ये सारा चमत्कार इन्हीं देवी देवताओं का है। और नीचे मैं कहता हूं, कोई भी व्यक्ति अजर और अमर नहीं है, एक समय आता है व्यक्ति को समय मिलता है, और उस गलतफहमी में कोई व्यक्ति अगर समय निकाल देता है तो वो समय लौट के नहीं आता। साथियों, आज विधायक महोदय को नौलगढ़ की 36 कौम की जनता ने जो जिम्मेदारी दी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां आसपास के गांव ढाणियों में बैठे वो लोग, जो विकास के नाम पे हम बात करते थे छोटी छोटी ग्रेवल सड़कों के लिए, आज मेरे हिसाब से एक भी रास्ता डामर सड़कों के बिना नहीं बचा है, और जो कोई थोड़े बहुत बच गए हैं वो आने वाले दिनों में हो जाएंगे। और इस मेले की सोच, मैं तो दावा करता हूं इस तरीके की सोच जो हमारी पूरी टीम ने, इन चारों पांचों पंचायत ने प्लस नवलगढ़ के हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो ये सपना सोचा है भविष्य के लिए, आज ये भविष्य की जो नींव रखी गई है ये अपने आप में पूरे राजस्थान में एक उदाहरण है कि ग्रामीण अंचल में इतना बड़ा मेला, जो तीन तीन चीजों को लेके, फागोत्सव को, फागुन का महीना है, हमारे तोगड़ा में कितनी शानदार किन्नर डलती थी, नारसिंगाणी में कितनी शानदार किन्नर डलती है, तो ये जो सारे लोक कलाकार हमारे हैं धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहे थे, इनको आने वाली पीढ़ी को प्रस्तुत करने के लिए इस मेले की बहुत अहम आवश्यकता थी, क्योंकि कोरोना के बाद लोग एक दूसरे से नजदीक बहुत कम आए थे। इसमें फागोत्सव के विशेष प्रोग्राम रखे हैं। मैं बता दूं, आज अजय हुड्डा जी का तो कोई पारिवारिक कार्यक्रम होने की वजह से समय कम मिल पाया, लेकिन बीच में कवि सम्मेलन होगा, हमारे कानबेलियाई डांस होंगे, राजस्थानी संस्कृति के बड़े बड़े कलाकार हमारे बीच में आएंगे और अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही किसान मेले से, क्योंकि आज 22 तारीख का आप सबको पता है बहुत बड़ा सावा है, ढाणी ढाणी घर घर में शादियां हैं, हर लोगों के आने की इच्छा थी लेकिन मजबूरियां, किसी को भात में जाना है, किसी को बारात में जाना है, किसी को कन्यादान के लिए जाना है, लेकिन फिर भी आप लोग जो आए, आके ये मनोबल बढ़ाए, आशीर्वाद दिया, क्योंकि शुरुआत करने की एक
हिम्मत होनी चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए। ये शुरुआत हो चुकी है। साथ ही दो चीजें किसान मेले के सारे आइटम यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। सारे कृषि यंत्र भी आ चुके हैं, बड़े बड़े मेले आ चुके हैं, झूले आ चुके हैं। साथ ही इस मेले की विशेष जो बात अभी विधायक जी ने भी बताई, क्योंकि आज ये नवलगढ़ जो चाहे विधायक जी हो चाहे आप सब लोग हो, पूरा विधानसभा क्षेत्र एक परिवार की तरह रहता है, जिसमें पंच से लेकर विधायक तक चाहे आम नागरिक हो, सारे मिलजुल के रहते हैं। तो जब परिवार पे पीड़ा गुजर आती है, आपको पता है आज हमारी चिरंजीवी योजना कितनी शानदार योजना है। पहले इसमें क्लेम के 5 लाख रुपए तक की राशि थी, 10 लाख रुपए तक का इलाज था, लेकिन वर्तमान में इस हमारे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विधायक महोदय ने, इन सब लोगों के प्रयास से, क्योंकि आम जनता में रहने की वजह से आम आदमी की यह पीड़ा समझते हैं, आज सड़क नाली बिजली के विकास अगर देर से हो जाए साथियों कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने देखा और आपने भी देखा है, जब परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी के दौर से गुजरना पड़ता था तो उसके परिवारजनों को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, अपने गहने गाठी गिरवी रखने पड़ते थे और वो साहूकारों के यहाँ वो चीजें चली जाया करती थी। इस बात को हमारे जनप्रतिनिधियों ने समझा और इस चिरंजीवी योजना को लॉन्च किया। इसमें अवेयरनेस लाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, हमारी पूरी टीम ने माननीय विधायक महोदय से डिस्कशन किया और निर्णय ये किया कि यहाँ ई मित्र वाले बैठेंगे, BCMO गोपी जाखड़ जी बैठे, इनकी पूरी टीम बैठेगी, पंचायत राज और हर विभाग के कर्मचारी बैठेंगे। जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा और अपने 7 व्यक्तियों को लेके आएगा, उसका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन यहाँ किया जाएगा, उसका जो भी 850-900 रुपए का चार्ज आएगा वो माननीय विधायक महोदय अपनी जेब से देंगे। कितनी बड़ी बात है। और ये सारी की सारी जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये सबको एक परिवार के सदस्य के रूप में लेके चलने की भावना के कारण कह रहा हूँ। वरना जनप्रतिनिधि एक छोटा सा पंच बन जाए, सरपंच बन जाए, वो गलतफहमी बांट ले कि मैं तो ये गांव को राजा बन बैठो। विधायक तो बहुत बड़ी चीज होते थे, उनसे मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये सारी की सारी जो टीम आपके बीच काम कर रही है, पद की बात नहीं है, कार्यकर्ता के रूप में, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज विकास के कामों में कोई कमी नहीं, सामाजिक सरोकार का जो ये काम है, चाहे ब्लड डोनेशन के काम हो, चाहे वृक्षारोपण के काम हो, और अब तो विशेष तौर से एक दूसरे को भाई से भाई को जोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए आज हमें जरूरत है ऐसे तीज त्योहार और हमारे मेलों को मनाने की। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आसपास के गांव ढाणियों के जो लोग हैं, जैसे पहले बच्चे कहते थे कि छुट्टियां मनाने रह जावांगा, नहीं आजकल तो कहीं मम्मी मन मोबाइल दिवा दे बैठे कमर बनाऊ, यही हो रही है ना। लेकिन आने वाले दिनों में कहेंगे आसपास के गांव के ढाणियों के लोग कि मम्मी मुझे गांव ले चलो, ननिहाल ले चलो, मुझे देवसर धाम के फागोत्सव और किसान मेले में जाना है और वहां हमारी संस्कृति को समझना है, हमारे क्षेत्र के जो विकास के कार्य है उनको देखना है, हमें जुलों का आनंद लेना है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये केवल आप लोगों के लिए है। और वक्त आता है, बीत जाता है, और आज हमारा जो ये क्षेत्र है, आज आप देखिए चारों पंचायतों की ये सीमा है कैसे जगमग हो रही है, कैसे बड़े बड़े झूले लग रहे हैं। और आने वाले दिनों में प्रत्येक दिन अपनी पूरी टीम लगी हुई है, किसी व्यक्ति विशेष का ये कार्यक्रम नहीं है, आप सबका अपना कार्यक्रम है, अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ प्रतिदिन जो सांस्कृतिक शाम को प्रोग्राम हो उनका आनंद ले, जितना सहयोग आप कर सकते हैं, मैं कहता हूं जितना सहयोग करोगे उसका 100 गुना बाबा श्याम और नेत दादा ये सामने बैठे उसका 100 गुना आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। और ये वो पवित्र और तपोभूमि भूमि है, अगर यहाँ आके कोई पाखंडी कोई पाखंड करके जाएगा तो ये सीमाओं पे जो ये बैठे हैं ये जाने नहीं देंगे। इतना ही कहना चाहूंगा एक बार फिर आप सबको, क्योंकि होली का त्योहार हमारे बीच में आ रहा है, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज शादियों का दौर कुछ कम हो जाएगा, कल से आप लोग प्रतिदिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके आनंद लें, साथ ही जो विभागीय योजनाएं प्रत्येक विभाग के यहाँ कर्मचारी आपको उपस्थित मिलेंगे उनसे उनकी जानकारी लें,
और उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप उच्च अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब बैठी हैं, बीडीओ साहब भी बैठे हैं और बाकी योजनाओं के बारे में हर अधिकारी आपको बताएगा। अभी गोपी जाखड़ जी बीसीएमओ साहब आपको विस्तृत रूप से इस बारे में बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी जो लोग यहाँ पधारे हैं चिकित्सा